अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ स्टोरी डिवाइसेस। अभी तक जो हमने पीछे स्टोरी डिवाइसेस पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरी में हमारे पास रैम आता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरीज आती हैं वो जस्ट वर्किंग एरिया होता है, और जो सेकेंडरी स्टोरी डिवाइसेज होती हैं उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह जिसके ऊपर परमानेंट डाटा स्टोर होता है, सीडी रोम्स हो गए, हार्ड डिस्क हो गई, इसके अलावा टेप राइटर हो गए, ये सारा कुछ होता है। तो पीछे अब जो हम मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, जितने हम पीछे लेक्चर में पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को डाटा किस तरह ट्रांसफर करता है। हमने पढ़ा था कंप्यूटर जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, साउंड्स होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। तो डिजिटल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करता है, 0-1 में, और लेकिन उसके मेथड होते हैं उसको कन्वर्टिंग करके, वो मेथड्स हमने पढ़े थे। स्कीम्स जिसे हम कहते हैं EBCD, ASCII कोड्स, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टा टू बाइनरी, ये सारे हमारे पास स्कीम होती है जो हमारे पास ये सारा कन्वर्जेंस करती हैं। ये स्कीम्स होती हैं जो आपके सारे जो होते हैं आपका डाटा होता है वो कंप्यूटर की कन्वर्जन करती है। जब डाटा आपका कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्यूटर को जरूरत पेश होती है उसको सेव करने की। तो सेव करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, तो एक होता है हमारे पास राइटिंग डाटा, एक होता है हमारे पास रीड डाटा। जो राइटिंग डाटा होता है उसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर डाटा को राइट करता है यानी सेव करता है। राइटिंग मीन सेव करना और रीडिंग मीन डाटे को गेट करना, ये दो वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब ये होता है। तो राइटिंग कहाँ करता है, वो राइटिंग हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज में होता है जिसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है, हमारे पास रोम्स होते हैं, ये ECT, उसके अंदर हमारे पास ये डाटा स्टोर होता है। और रीडिंग 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 कौन करता है, प्रोसेसर रीड करता है। कहाँ से रीड करता है, वो रैम को देता है कि भाई मुझे ये फाइल देखे तो मैंने इस डाटे को रीड करना है। आप सीडी रोम डालते हो, वो सीडी रोम डाटे को रीड करती है। यूएसबी देते हो, आप यूएसबी से डाटे को रीड करते हो। तो मुख्तलिफ सोर्स होते हैं जिसमें हम डाटे को ईजीली रीड कर सकते हैं। हाँ यार, टेंडर्स की फिक्र भी करते हो, आपके असाइनमेंट को इस होने चाहिए, इस पर गौर किया करो। उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरेज टर्म। अब स्टोरेज टर्म से क्या मुराद है, स्टोरेज टर्म से ये मुराद है कि डाटे को स्टोर करना। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टोरेज मटेरियल होते हैं जो डाटे को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होता है मैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, ऑप्टिकल मीन सीडी रोम्स होती हैं, उसके बाद सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो फिजिकली यूएसबी होगी टाइप, उसे सॉलिड स्टेट डिवाइसेज कहते हैं। रैम हमारे पास सॉलिड स्टेट डिवाइसेज होती है, रोम हमारे पास स्टोरेज स्टेट डिवाइसेज होती है, मीडिया मेन टर्मिनल जो आप सीडी रोम के, जो आप पुराने जमाने में कैसेट वगैरह सुनते थे, वो मीडिया स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन कौन सी है आजकल की चल रही है, हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी। फ्लॉपी तो बहुत पुराने के ज़माने की बात है, तो फ्लॉपी को आप में से अक्सर किसी ने देखी भी नहीं होगी कभी हाथ में, उसको यानी यूज़ भी नहीं किया होगा अपने कंप्यूटर के पास। ये तो वो अराउंड अबाउट 2001 से 2003 या 2005 तक फ्लॉपी चलती थी, उसके बाद सब कुछ ये ख़त्म हो गया क्योंकि तो इसके दरमियान स्टोरेज ही कम होती थी, लाइक इसमें 200 to 300 MB बस स्टोरेज होती थी। तो आजकल तो 203 MB की एक आप कह लो कि छोटी सी ऐप भी नहीं आती, तो इस वजह से ये ख़त्म हो गई थी। तो मैग्नेटिक डिवाइस की आती है, आगे हम डिटेल से पढ़ें से। अच्छा, हम थोड़ा सा बुक की तो गो थ्रू करते हैं क्योंकि स्लाइड्स में आप इतना समझ नहीं आना। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये आपके पास एक बना हुआ है सीपीयू। सीपीयू में जो आपके पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन सीडी रोम या डीवीडी रोम या डीवीडी राइटर वगैरह आपके पोर्शन के लिए यूज होता है। अब फ्लॉपी, एक नीचे ये डिस्क बनी होती है, अब फ्लॉपी की मैं आपको एक शेप भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास हार्ड डिस्क आ गई, ये वाली आपके पास हार्ड डिस्क है, ये आपके पास फ्लॉपी डिस्क है, और ये आपके पास टेप डिस्क है। और तीनों में ऑलमोस्ट जो स्टोरिंग का और राइटिंग का डाटा वो एक जैसा ही होता है। इसके अंदर भी मैग्नेटिक होते हैं, इसके अंदर भी मैग्नेटिक टेप होते हैं, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे वो किस तरह राइट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा हमारे पास डिस्केट होती है और हाई कैपेसिटी डिस्केट ड्राइव होती है, दोनों सेम होती है। इन दोनों में बस डिफरेंट ये होता है कि जो डिस्केट होती है उसका साइज 2 to 3 MB, 100 MB होता है, जबकि इसका साइज हमारे पास 7 to 8 MB होता है, तो इसलिए इसे हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद पढ़ते हैं कि डाटा स्टोर किस तरह होता है डिस्क के अंदर। अब जब कंप्यूटर ने
उसको ऊपर प्रोसेस किया 0-1 के अंदर, यानी जैसे उसने फॉर एग्जांपल ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी करने से जब उसका आंसर आया सी, फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू 9 आंसर आया, 4 + 5 आंसर आया 9, तो 9 डाटा किसना स्टोर होगा। अब ये सारा डाटा जाता है रैम के पास, रैम फिर जाती है हार्ड डिस्क के पास। अब हार्ड डिस्क उस टाइम पे हार्ड डिस्क हो, उसके पास सीडी रोम हो, फ्लॉपी डिस्क हो, उसने तो डाटा स्टोर करना है, उसने कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए। तो डाटे को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक चीज यूज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जो सरफेस होती है, फ्लॉपी की सरफेस होगी, हार्ड डिस्क की सरफेस होगी, या हमारे पास दूसरी डिवाइसेस की सरफेस होगी, उसके ऊपर ये आयोनाइज पार्टिकल, आयरन पार्टिकल्स इस तरह की रेंज में आगे पीछे मौजूद होते हैं। ये देखो ये नज़र आ रहे हैं आयरन पार्टिकल्स, ये आयरन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पोलराइज होते हैं। जब भी डाटा हमने सेव करना हो तो ये पोलराइज होते हैं। पोलराइज से मुराद क्या होता है, मकनातीस होते हैं। मकनातीस की दो साइडें होती हैं, एक प्लस होती है एक नेगेटिव होती है। अगर आप प्लस प्लस को आपस में रखोगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर प्लस और नेगेटिव को आपस के पास लाओगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो जब वो चिपकते क्यों है, तो उसकी एक दोनों साइडें पोलराइज होती हैं, तो अट्रैक्शन होती है। तो जो हमारे पास ये आयरन पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, वो आगे पीछे तरतीब में होते हैं। तो क्या करते हैं उसमें, बाद हमारे पास एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये आयरन की ये उसके ऊपर पट्टी होती है, तार पट्टी होती है, जो इसको चार्ज करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को चार्ज करती है। अब नीचे हमारे पास जो टिक्स होती है, ये सरफेस है किसकी, फ्लॉपी की हो सकती है, हार्ड डिस्क की होती है, सरफेस होती है, ये घूमती है रेजोल्यूशन के लिहाज से, यानी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, घूमी जाती है। और ये जो मैग्नेटिक का हेड होता है, ये आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। जब ये आगे पीछे मूव करता है, जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज करते हैं, तो उस आयरन पार्टिकल को एक सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास एक चंक्स बन जाते हैं, एक ये चंक्स बनेगा, एक इस तरह चंक्स बनेगा, एक इस तरह चंक्स बनता जाएगा। जब ये चंक्स बनेंगे तो उन चंक्स को डिवाइड कर देगा 0 या 1 में, 0 या 1 में। मैंने आपको कहा था कि क्या कहा था, अगर 9 सेव करना है तो 9 को सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइनरी फॉर्म में। तो 9 का बाइनरी फॉर्म क्या बनता है, 100 बनता है। तो क्या करेगा, वो चार चंक्स बनाएगा 1000, तो ये एक पूरा चंक्स बना देगा जो इक्वल होगा हमारे 9 के अंदर। तो इन आयरन पोलराइज को उसके ऊपर सेव करवा देगा 1000। और जब ये हमारे पास आयरन पार्टिकल्स एक सीधी कतार में हो जाएंगे सेव, नेक्स्ट टाइम मैं इसको सारा डिस्क को अटैच करूंगा, तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेट क्या है, उसको रीड आउट करेगी। तो रीड आउट करने से क्या होगा, उस 9 के पार्टिकल्स को रीड आउट करेगी, वो क्या करेगा, उस बाइनरी कोड को रीड करेगी। उसके पास बाइनरी कोड आएगा, वो क्या आएगा, 1000 विच इज इक्वल टू 9। इस बात की समझ आई सानों को? यस सर। इजी है ना? अच्छा ये देखो, ये उसकी एक डिटेल डायग्राम बनाएगी। ये हमारे पास आयरन बार है, ठीक है, जिसके ऊपर ये वायर की पट्टी हुई है, तो आयरन बार इसको चार्ज करती है, और ये नीचे हमारे पास सरफेस होती है, ये सरफेस घूमती है, और जबकि आयरन बार आगे पीछे को मूव होती है। तो जैसे ही वो आगे पीछे मूव होती है, मैं बताऊंगा कि वो आगे पीछे क्यों मूव होती है, ये नेक्स्ट आएगा तो उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल से ज़्यादा पता लग जाएगा। अच्छा जब आपके पास पता लग गया कि भाई आपका डाटा सारा सेव हो गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो हार्ड डिस्क होती है उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज क्या करते हैं, इसके होता है, जब भी आप कोई नया कंप्यूटर परचेज करते हो तो हमेशा आपको नया कंप्यूटर का मिलता है एम्प्टी मिलता है, उसकी हार्ड डिस्क एम्प्टी मिलती है। क्यों, क्योंकि वो उसको फॉर्मेट कर देते हैं, उसकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट से क्या मुराद होता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं आप रेस कर देते हो। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में जब कभी आपका स्लो हो जाए मोबाइल फ़ोन, तो आप क्या करते हो, उसको फॉर्मेट कर देते हो। तो फॉर्मेट्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज होती हैं, सब कुछ फॉर्मेट हो जाता है, तो इससे आपका मोबाइल क्या हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो फॉर्मेट जब ये आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं रेज हो जाती, फिर आपके वो पैटर्न दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं, जो ये आयरन वाले पार्टिकल्स के पैटर्न्स होते हैं। तो इस तरह वो हार्ड डिस्क में डाटा रीड एंड राइट करने में आसानी हो जाती है। अच्छा अब इस फॉर्मेट के दो तरीके होते हैं, ये आपकी एक किस्म की समझ लो जो सीडी डिस्क होती है वो है डीवीडी।
जब आपने फर्स्ट फॉर्मेट किया तो इस डिस्क को डिवाइड करेगा इन ट्रैक्स के ऊपर। ये राउंड वाले ट्रैक्स हैं, ये हमारे पास 0 से लेकर 79 ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपकी हार्ड डिस्क होती है, इसी तरह आपके पास सीडीज होती हैं, इसी तरह ये आपके जो फ्लॉपी होती है वो इस तरह काम करते हैं। जब आपने अपनी उस सीडीज को फॉर्मेट किया तो सबसे पहले उसको इन ट्रैक्स पे डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद जब दूसरा फॉर्मेट की दो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज में ये ट्रैक्स बनते हैं, दूसरी स्टेज में इन ट्रैक्स के ऊपर ये स्लाइसिंग बन जाती है। जितना आप केक नहीं काटते, ये एक फर्स्ट स्लाइस बन गया, इसके ऊपर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह ये स्लाइस बनते जाएंगे। आपने एक स्लाइस किया, अब ये फर्स्ट ट्रैक और ये फर्स्ट ट्रैक राउंड में और फर्स्ट ट्रैक स्लाइस में, ये आपके पास इतना पोर्शन एक सेक्टर बनाएगा। इस तरह ये दूसरा सेक्टर, इसी तरह ये तीसरा सेक्टर, इसी तरह फोर्थ, और ये चलता चलता यहाँ पे जब 17 आएगा, 17 के पास शुरू हो जाएगा, वो नेक्स्ट सेक्टर नीचे हो जाएगा, मूव कर देगा, ये नेक्स्ट सेक्टर आ गया, उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्टर आ गया। इस तरह ये हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे। अब जब ये आपके पास नंबर ऑफ सेक्टर्स बन गए तो ये हर एक सेक्टर इक्वली डिवाइड होता है बाइट्स पे। क्या डिवाइड होता है? इक्वली डिवाइड होता है बाइट्स पे। अब बाइट्स आपके पास कितनी होंगी? 512 बाइट्स होंगी। उस 512 बाइट्स में जब आप डाटे को रीड करोगे तो आप पूरी बिट डाटे को रीड कर सकते हो, यानी अगर आपने उसके अंदर वन स्टोर करवाना है, एक बिट स्टोर करवानी है, तो पूरी एक बिट उस 512 बाइट के बराबर होगी, फिर वो नेक्स्ट बाइट में मूव करेगा। इस बात की समझ आई? हेलो, इतना सारे सो रहे हैं स्टूडेंट्स? नो सर, जाग रहे हैं हम लोग, सोए नहीं है। रीना अकरम, रीना की मदद, अरीपा फातिमा, अरीपा फातिमा सर मुझे आवाज yes, बहुत कम आ रही है, मेरी अटेंडेंस लगा देना। आयशा प्रवेश, यस सर। ओके, कायनान महमूद, यस सर। राय बास, राय बास हो रहा है मेरे पास। रोहित आसिफ, बॉय सारे सो रहे हैं, गर्ल्स जागी हुई हैं, चलो अच्छा है। बात मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। जब आप अपनी हार्ड डिस्क बार बुक स्कैन कर लिए दिमाग में, जब आप अपनी हार्ड डिस्क या सीडी रोम किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करने से वो क्या करता है, उसको ट्रैक्स में तब्दील कर देता है। जब ये ट्रैक्स में बन जाते हैं तो इसमें 80 ट्रैक्स बने हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 79। उन 80 ट्रैक्स के बाद इसकी स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग से हर ट्रैक्स डिवाइड हो जाता है एक सेक्टर्स पे। अब ये हमारे पास ये फर्स्ट सेक्टर है, ये सेकंड है, इस तरह चलते चलते हमारे पास ये सेक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे। तो जब ये सेक्टर डिवाइड हो जाते हैं तो हर एक सेक्टर इक्वल होता है 512 बाइट्स का, 512 बाइट्स का। तो 512 बाइट्स के अंदर नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, एक बाइट्स कितने बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। तो ये 512 बाइट्स पे डिवाइड हो जाता है। जब हम इसके ऊपर कोई डाटा को स्टोर करते हैं तो ये पूरा डाटा एक 512 यानी पूरा सेक्टर को होल्ड करेगा। तो जब वो पूरे सेक्टर पे सेव हो जाएगा, चाहे हमने उस पर एक बिट स्टोर करानी हो, चाहे हमने उसमें 511 बिट स्टोर करवानी हो, तो वो पूरे सेक्टर को ही सेव करेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये अटेंडेंस वाला आप एंड पे किया करो। जब मैंने कहूँगा ना कि आपने अटेंडेंस आप मार करो, तो फिर आपने यहाँ पे जाके ना मैसेज में जाके टाइप करना है, अभी अटेंडेंस वगैरह काउंट नहीं होगी, एंड पे आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता चल गया कि भाई डाटा किस तरह आता है, उसको हम किस तरह कन्वेंट करते हैं, प्रोसेस उसको किस तरह प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास डाटा किस तरह स्टोर करता है। तो अब थोड़ा सा थोड़ी सी एडवांस कैटेगरी में पढ़ते हैं। एडवांस कैटेगरी में क्या मीन्स के, जब आप उसको डिवाइड करते हो, जब उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हो, तो हमारे पास लॉजिकल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर लॉजिकल फॉर्मेटिंग क्या है, आप उस जो डिवाइस है वो आपके पास ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसके बाद लेबलिंग लग जाती है। लेबलिंग से मुराद क्या है, ये नंबर वन सेक्टर है, ये नंबर टू सेक्टर है, किसी को नाम देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल फॉर्मेट। हमारे पास डिफरेंट किस्म के लॉजिकल फॉर्मेट हैं, वो उसकी टाइप्स आगे पड़ी हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं वो
डिपेंड करती है हमारे पास करंट वर्जन ऑफ कंप्यूटर में, यानी जिस तरह हम एडवांस में जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेटिंग और एडवांस होती गई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फैट फाइल सिस्टम, FAT, फैट फाइल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका एब्रीविटी होता है फाइल एलोकेशन टेबल्स। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब आपका जो डिस्क होती है या जो हार्ड डिस्क होती है वो फैट फाइल सिस्टम में होता है, वो फोर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट हिस्सा होता है बूट सेक्टर। अब बूट सेक्टर क्या मुराद है, बूट सेक्टर क्या मुराद है कि जब आप अपनी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो इंस्टॉल होने से पहले पूरी आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट करने से बाद किसी एक सेक्टर को पकड़ लेगी, फॉर एग्जाम्पल उसने ये 20 वाला सेक्टर पकड़ लिया। अब इस 20 वाले सेक्टर के अंदर वो कुछ इंफॉर्मेशन को सेव करती है, वो इंफॉर्मेशन क्या कराती है, वो कराती है बूट सेक्टर, बूटिंग के लिए काम आती है। बूटिंग से मुराद क्या होता है, जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो सिस्टम ऑन होने से पहले वो कुछ सॉफ्टवेयर रन करता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो कंपेटिबल बनाता है कि भाई जो आपने इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल की वो हार्डवेयर के साथ मैच करती है। अगर वो आपके हार्डवेयर के साथ मैच कर देती है, वो आपको कहता है कि भाई अब आपकी विंडोज स्टार्ट होगी, आप इसके ऊपर पासवर्ड लें, अपना लॉग इन कर लें। तो बूट सेक्टर क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम उस सेक्टर के अंदर सेव हो जाता है जिसे हम कहते हैं बूट सेक्टर प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल्स क्या होता है कि जब आप किसी को फाइल को सेव करवाते हैं तो एक सेक्टर्स के अंदर इस फाइल का टेबल क्रिएट हो जाता है, भाई किस लेवल पे कौन सी फाइल पड़ी है। जब आप उस फाइल सर आपकी आवाज जरा स्लो आ रही है, अब ठीक आ रही है। तो जिस टेबल पे जब फाइल को सेव होता है, जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तो उस टेबल में एडिशन और डिलीशन डिलीट होती रहती है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, फाइल एजुकेशन टेबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट फोल्डर। अब रूट फोल्डर क्या है, रूट फोल्डर ये है कि विद इन द फोल्डर आप फोल्डर क्रिएट करते जाते हैं तो आपके पास रूट फोल्डर बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में जाता हूँ डी, डी के बाद हम जाते हैं पिक्चर, पिक्चर के बाद जाते हैं हम ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं हम हमारे पास सब्जेक्ट आ गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में जाके हम वहाँ पे सिलेक्शन नंबर 5। अब इसके अंदर कितने फोल्डर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अंदर 4-5 फोल्डर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 4-5 फोल्डर जो सबसे एंड पे जो फाइल पड़ी होगी उसे हम क्या कहेंगे, रूट फोल्डर। रूट मीन क्या होता है, जड़। अब एक दरख्त की जड़ होती है, जारी बात अगर उस दरख्त की जड़ नहीं होगी तो वो दरख्त नहीं बनेगा। तो रूट फोल्डर वो आखिरी फोल्डर होता है जहाँ हमारे पास सारा डाटा मौजूद होता है। ठीक है, समझ आई। अब ये देखो एक साइड पे एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है नजर तो आ नहीं रहा, लेकिन आप देख लो, ये देखो माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर के बाद उसने सी ओपन किया, सी ओपन के बाद एक ये फोल्डर ओपन किया, फोल्डर ओपन करने के बाद एक ये लास्ट फोल्डर ओपन किया। तो इसमें 1, 2, 3, 4 फोल्डर ओपन होते हैं, तो ये चौथा होगा, ये आपका क्या होगा, रूट फोल्डर होगा। सर क्लियर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा ज़ूम करके बता दें। यार ये ज़ूम भी करूंगा तो आपको नजर नहीं आएगा, मैं स्क्रीन पे डबल क्लिक किया करो, ये ज़ूम हो जाएगी तस्वीर, आप देख सकते हो। हाँ वो कर लो आपको। तो उसके बाद आता है हमारे पास डेटा एरिया। डेटा एरिया क्या होता है कि अगर मैं इस तरह जूम करूंगा, ये देखो पिक्सल फट जाएंगे, आपको फिर भी नहीं नजर नहीं आएगा। डेटा एरिया क्या होता है, डेटा एरिया क्या होता है, डेटा एरिया आपके पास वो पार्ट होता है जहाँ आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूट प्रोग्राम आपने फोल्डर तो ओपन कर दिया, उस फोल्डर का नाम हमने क्या लिखा था, ग्रेजुएशन, लेकिन जो उसके अंदर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये आपके पास एरिया होगा जहाँ पे आपने डाटा को सेव करना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सेट। क्लस्टर, अब क्लस्टर क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ सेक्टर्स मिलके हमारे पास एक क्लस्टर बनाते हैं। अब ये सेक्टर्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई 1 से लेकर 9 सेक्टर आपस में मिल गए। अब जब ये मिले तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा हमारे पास यहाँ बाइट्स ज़्यादा होगी, क्योंकि 512 बाइट का एक सेक्टर होता है, 512 प्लस 512 प्लस 512 प्लस 512, और हमारे पास एक ये पूरा कंप्लीट मिल के क्या बनाएगा, एक क्लस्टर बनाएगा। तो इससे हमारे पास स्टोरेज भी ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद एक लेबल लग जाएगा, भाई ये एक लेबल है जिसके ऊपर इतनी स्टोरेज आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग के जो प्रोसेस आते हैं वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग के प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फाइल एलोकेशन टेबल फैट। फैट क्या था, ये हमारे पास जब शुरू शुरू में हमारे पास विंडोज़ आई तो विंडोज़ में हमारे पास फैट 16 यूज होता था। फैट दो टाइप के होते थे, एक फैट 16 एक फैट 32। तो फैट 16 क्या होता है, फैट 16 ये होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें बेसिक जो आप फाइल को सेव करते हैं, जो भी हमने ये चार चीज़ें पढ़ी हैं कि जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें ये चार चीज़ें लाजमी होती है। एक बूट सेक्टर की होती है, एक फाइल एलोकेशन टेबल्स की होती है, रूट फोल्डर की होती है और डेटा एरिया की होती है। तो ये चार चीज़ें इस फैट 16 में आती हैं कि हम ये फ्लेक्सिबल था, मैनेज करना था। लेकिन ये कहाँ यूज़ होता था, MS-DOS। MS-DOS कौन सी विंडो थी, वो विंडो जिसके ऊपर सारी कमांड लाइन सिस्टम होता था। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के इंटरफेस होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कमांड लाइन, एक होते हैं हमारे पास GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस से क्या मुराद है, कमांड लाइन इंटरफेस से मुराद है कि आपने हर चीज़ कमांड के जरिए करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा ये फोल्डर को डिलीट करना है, तो आप डिलीट लिखते हो, उस फोल्डर का नाम लिखते हो तो वो फोल्डर डिलीट होता है। जबकि GUI क्या होता है, GUI ये होता है कि आपको ग्राफिक के जरिए सारा काम नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो आपको मेरा माउस नज़र आ रहा है, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मैं इसको राइट करता हूँ, ये इस पर नज़र चीज़ें आ रही है, सारा कुछ ग्राफिकली हो रहा है। लेकिन इन ग्राफिकली के पीछे सारी भी कमांड यूज़ होती है जो प्रोग्रामर करते हैं। तो इसमें हमारी आसानी के लिए हम ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो जो शुरू में आए थे विंडोज़ आए थे तो उसमें MS-DOS होता था। MS-DOS एक सॉफ्टवेयर होता है, वो CMD आप लिखोगे वो MS-DOS होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हर चीज़ हम कमांड लाइन के जरिए करते थे। तो ये फैट सिस्टम उसमें यूज़ होता था। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास होता है फैट 32, जिसका एडवांस वर्जन है, जो विंडो 95 2000 XP वगैरह में यूज़ होता है, जो आजकल भी यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होगा, तो इसमें कमांड लाइन के साथ उसने लिंक करके हमारे पास इजीली आसानी बना दी। उसके बाद हमारे पास आता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसे NTFS कहते हैं। इस NTFS का मुराद क्या होता है, इस NTFS में बेटर सिक्योरिटी मिलती है, फाइल प्रॉपर तरीके से मैनेज होती है, ये सारा काम इसमें होता है। और हम इसमें फाइल का नेम भी ज़्यादा लंबा लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर इज द बेस्ट, ये मैं इतना लंबा फाइल का नेम लिख सकता हूँ। लेकिन फैट 32 में मैं किसी फोल्डर का नेम इतना लंबा नहीं लिख सकता, वो हमें अलाउ नहीं करता। तो इसमें ये एक चीज़ ये आती है। दूसरी इसमें ये चीज़ आती है कि जो NTF5 आया उसमें हम बिगर डाटा को ट्रांसफर रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैट 32 सिस्टम में मौजूद हूँ, मैंने कोई 20 GB का सेटअप कॉपी करना, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन मैं उसको फॉर्मेट करता हूँ NTF5 के या NTF के अंदर, तो मैं 20 GB का डाटा इजीली उसको कॉपी कर सकता हूँ किसी भी USB के अंदर। उसके बाद IBM वालों ने अपना एक फॉर्मेट निकाला जिसे हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि फाइल की जो परफॉर्मेंस है उसकी थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप न्यू जनरेशन में चलते जाते हो हर एक चीज़ अपडेट होती जाती है, ईजिली हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट में आपके पास क्या है, बड़े बड़े कैमरा आते थे, उसके बाद छोटे कैमरा हो गए थे। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है आपके पास न्यू इनोवेशन वगैरह आती रहती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्केट। अब डिस्केट क्या है, डिस्केट है आपके पास एक ये फ्लॉपी है जो शुरू में आती थी फ्लॉपी। इसका मैं ओवरव्यू फर्स्ट में चल देता हूँ क्योंकि आजकल इतनी यूज नहीं हो रही। तो इस डिस्केट के अंदर क्या होता है, एक ये मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक में इसको सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सेक्टर पहले ट्रैक्स बनते हैं, फिर सेक्टर्स बनते हैं, फिर हर एक सेक्टर क्या करते हैं मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब इसमें कितने बनते हैं, 2.8 सेक्टर, यानी 2880 सेक्टर्स बनते हैं, इतने ज़्यादा सेक्टर्स बनते हैं। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 512 से, तो हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बाइट इतने स्टोर करवा सकते हैं। फिर आप इस बाइट को MB को कन्वर्ट करना है, तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ MBs आ जाएंगे। तो ये काम क्या करता है, आपने डिस्केट अंदर लगाई और इसमें एक ये हेड बना होता है, इंडेक्स हेड, और यहाँ पे डिस्केट हब। अब यहाँ पे वो मोटर फिक्स हो जाती है जो इसको रिवॉल्विंग करती है, ये अराउंड 300 RPM पर मिनट के हिसाब से रिवॉल्व करती है, यानी 300 चक्कर लगाती है एक मिनट के अंदर, ये घूमती है इतनी फास्ट, आप इतनी फास्ट। उसके बाद ये ऊपर इसका हेड होता है। अब इस हेड के अंदर वही काम करता है जो हमने पीछे अभी पढ़ा था कि उस बाइट्स को 0 या 1, 1 को 0 चेंज करते रहते हैं, ठीक है।
ये वही टेक्नोलॉजी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप घबराओ ना, क्योंकि मेन कंसेप्ट वो मैंने आपको पीछे दे दिया, वो सारी टेक्नोलॉजी हर वो डी स्टेट में यूज़ होनी है, हार्ड डिस्क के अंदर यूज़ होनी है, वही सारी रिच एंड एवरीथिंग हम पुराना पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं, जो आज का हमारे पास 1, 2, 3, 4 अराउंड पर 7 प्लेट्स आती हैं। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 प्लेट्स लगी हैं, और इन 5 प्लेट्स पे हम बोथ फ्रंट पे भी और बैक पे भी डाटे को रीड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सेंस होता है, ये मोटर लगी होती है, ये वाली मोटर जो इस हैंड को आगे पीछे मूव करती है, और ये हमारे पास हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क के जो रेवोल्यूशन होती है, हमारे पास 3600 से लेकर 15,000 RPM, यानी 15,000 दफा ये घूम सकती है 1 मिनट के अंदर, और इतना ज़्यादा इसके अंदर डाटा फास्ट होता है। और इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रैक बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज करवा सकते हैं अराउंड ऑफ। आप तो 1 TB हार्ड डिस्क भी आ गई है मार्केट के अंदर, 10 TB तक भी आ गई है, तो जितनी वो क्यों आ रही है उसके अंदर ये नंबर ऑफ हमारे पास डिस्क ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास आता है रिमूवेबल हाई कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एक कार्ड बना होता है जिसे हम हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ये हमारे पास 100 MB से लेकर 700 MB तक होती है, जो हमने पीछे पर फ्लॉपी डिस्क पढ़ी थी, डिस्केट मैंने आपको बताया था, दो टाइप की होती हैं, एक में कम साइज होता है, एक में हम ज़्यादा साइज को स्टोर करवा सकते हैं, लाइक उसी तरह काम करते हैं। और हॉट स्वैप पर हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी होती है, वो ड्राइव जिस पर हम एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, जो आपके आजकल के लैपटॉप में आ रही है। आप अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं तो एक छोटी सी रैम की तरह बनी होती है, वो आप उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो आपका वो एक्स्ट्रा मेमोरी अलाउ हो जाती है। तो हॉट स्वैप पर भी उनको कोई एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, टेप ड्राइव। ये पुराने ज़मानों में टेप ड्राइव यूज़ होती थी, और ये हम इसको इस तरह यूज़ करते थे, इसमें हम 200 GB तक डाटा स्टोर करवा सकते थे। अब ये किस तरह होता है, इसका फॉर्मेट वो कैसेट की तरह होता है, जो आप पुराने ज़माने में कैसेट सुनते थे। तो इसमें क्या करते थे कि आप टेप ड्राइव को अंदर लगा सकते थे, और ये मोस्टली तब यूज़ करते थे जब आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, कभी कभी ज़रूरत होते हम इसको यूज़ करते थे। तो जो पुराने ज़माने में आपने कभी DVD आर देखा हो, आपके घर के अंदर DVD आर लगा होता है, तो आप उसमें कैसेट लगा के उसको यूज़ करते हैं, मूवीज देखते हैं, वो ब्लैक कलर का रिबन होता है, तो आप उसको यूज़ करते हैं, तो ये टेप ड्राइव वो वाली चीज़ है, उसके एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज, जिसे हम क्या कहते हैं, CD रोम, DVD रोम। ये हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि काम तो वही करते हैं, उसके अंदर भी सेक्टर करते हैं, बूट्स बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर। अब ये लेजर क्या करता है, लेजर ये करता है कि भाई उसकी सरफेस पे एक प्रिज्म के जरिए, एक ये प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपके पास एक छोटा सा आईना होता है, यानी एक थोड़ा सा डिफ्रेक्ट मिरर होता है। तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म एक लेजर बीम फॉरवर्ड करता है। अब इस लेजर बीम में ये हमारे पास नंबर ऑफ बिट 1 है, ये नंबर ऑफ बिट 0 है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से फॉरवर्ड करता है, अगर वो नंबर ऑफ बिट 1 है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, और ये सेंसर को कह देता है कि भाई ये 1 बिट है, और प्रिज्म सेंड करता है, उसको कोई रिफ्लेक्ट बैक नहीं आता, वो सेंसर को नहीं बताता कि भाई हमारे पास ये 0 है। तो ये इस तरह काम करता है हमारे पास जो CDs होती हैं, CDs और DVDs, ये पहले यूज होती थी लेकिन आजकल में बहुत कम यूज होती है। तो इस सीडीज में हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक सीडी रोम होता है, सीडी रोम इन रीड ओनली मेमोरी, इस सीडीज के अंदर हम जस्ट रीड कर सकते हैं। और एक हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप, मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड्स पे थोड़ा चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सीडीज होती हैं जिसमें हम लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि भाई 1 और 0 आए तो वो किस तरह उसको अलाउ करता है। तो इसके पास जो हमारे पास सीडी की स्पीड होती है 1 KB/s, किलो बाइट पर सेकंड, के बीस मीन किलो बाइट पर सेकंड से होती है, और ये हमारे पास 1 50 से लेकर 1500 KB
तक डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम, और इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हमारे पास 650 MB तक होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डीवीडी रोम, जिसे हम डीवीडी वाली मेमोरी कहते हैं, लेकिन डीवीडी होते हैं, लेकिन ये हमारे सीडी रोम से एक्स्ट्रा मटेरियल ऑक्यूपाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम 18 GB तक डाटा स्टोर करवा सकते हैं, जबकि सीडी रोम में हम 650 MB तक डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसका मटीरियल हर जगह होता है, इसमें हम डाटा ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब एक बार ये रखना है कि अगर आपके पास जो राइट होता है सीडी रोम होता है जो हमने पढ़ी थी, जो डिवाइस मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसमें देखो, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है डीवीडी। अब इस डीवीडी का मतलब क्या होता है, ये सीडी रोम की डिस्क भी चेक कर सकता है और डीवीडी रोम की भी डिस्क चेक कर सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे लिखा होता है सीडी रोम तो ये जस्ट सीडी रोम को चेक करेगा, डीवीडी रोम को चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो डीवीडी को भी चेक कर सके। तो ये लाइन का मतलब है डीवीडी प्लेयर कैन रीड सीडीज बट सीडी कैन नॉट रीड डीवीडी, इस लाइन का मतलब ये है। तो उसके बाद आता है सीडी रिकॉर्डेबल। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं जो सीडी को रिकॉर्डेबल करती हैं, क्या रिकॉर्ड हम उसके अंदर डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डीवीडी रिकॉर्डेबल भी आती हैं, जिसे हम सीडी रॉ भी कहते हैं। और इस सीडी रिकॉर्डेबल का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपने एक दफ़ा डाटा स्टोर कर दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली डाटा उसके ऊपर सेव हो जाएगा। जबकि डीवीडी रिकॉर्डेबल में क्या होता है, जब आप उसको डाटा को सेव करते हैं तो आप उसमें 100 टाइम ऑफ डाटा को रीराइट कर सकते हैं, यानी बार बार उसको सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये डीवीडी आपके पास ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फोटो सीडीज। फोटो सीडीज का मतलब क्या होता है, ये कोडेक वाले हम जो कैमरे बहुत मशहूर है कोडेक, जिन्होंने अपना कैमरा भी बिल्ड किया, पिक्चर भी करते हैं, उन्होंने एक स्पेशल किस्म की सीडी बनाई। अब सीडीज में क्या होता था कि उसमें पिक्चर्स आपने एक दफ़ा सेव कर दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते जो मर्जी कर दो। तो उनके एक कुछ स्पेशल किस्म के कंपनीज होती हैं, वो अपने कुछ स्पेशल फॉर्मेट में सीडीज बनाते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी आती हैं जो डीवीडी राइट सीडीज ऐसी बनाती हैं कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं बना कि भाई कौन सी सीडी क्या काम करेगी, कौन सी सीडी क्या काम नहीं करेगी, ये इस किस्म के होते हैं। अब कुछ सीडीज ऐसी आती हैं जिसके ऊपर एक दफ़ा आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, बाद में आप उसको कॉपी कट पेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि डीवीडी रैम क्या करती है, डीवीडी रैम करती है कि भाई आप इसमें हाई रैम इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब आपने इसको करंट पास किया तो उसके अंदर आप हाई रीड ट्रांसफर डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एट वंस के साथ। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक आ रही है? यस सर, अब ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम हमारे पास सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिसमें आपके पास यूएसबी आ गई, जो आजकल के ज़माने में यूएसबी आ गई, मेमोरी कार्ड आ गई, एक सॉलिड स्टेट होती हैं। ये मिक्सचर होता है आपके रैम एंड रोम का। अब मिक्सचर में रैम और रोम का मतलब क्या है, रैम इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब आपने उसको करंट पास किया तो उसमें स्टोरेज करना शुरू कर दी, जब वैसे ही आपने करंट किया तो उसके अंदर सारी स्टोरेज जितना भी डाटा सारा रिमूव हो जाता है। और रोम के जिसके अंदर आप परमानेंटली डाटा को स्टोर करते हैं, चाहे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दो या ना दो, उसके अंदर डाटा स्टोर रहता है। तो ये जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं, ये मिक्सचर होता है किसका, रैम एंड रोम का। जैसे ही आपने अपने यूएसबी की अटैच की पीसी के साथ, तो फ्लैश ड्राइव जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर आप मेमोरी एक्टिव हो जाती है, आप उसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास फ्लैश मेमोरी जिसे हम यूएसबी कहते हैं, ठीक है, जो 5 GB की यूएसबी, 32 GB की यूएसबी एक फॉर्मेट बना होता है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं स्मार्ट कार्ड, जो छोटे से कार्ड होते हैं जिसे
कहते हैं हम मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, ये सारी हमारे पास क्या आती हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आजकल की टेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छी यूज हो रही है, जिसे हम कहते हैं एसटीडीएम, और इसे दूसरा नाम कहते हैं एसएसडी, एसएसडी। अब ये क्या होती है, हमारे पास एक्सट्रीमली फास्ट होती हैं, ये हार्ड डिस्क से भी फास्ट होती हैं, आपकी यूएसबी से भी फास्ट होती हैं, जो जितने भी हैं, और जितने भी न्यू लैपटॉप आ रहे हैं, ये इसके अंदर एसएसडी लगी होती हैं। और ये क्या होती हैं, इवन में इनमें कॉपी रेट डिस्क मेगा बाइट्स या गीगा बाइट्स के अंदर भी होता है, और ये वर्क स्टेशन वगैरह में वहाँ पे यूज होती हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर हम इसको ना एक डिस्कशन लेक्चर रखेंगे, आप इसको यूट्यूब पे देखो, जो चीज़ समझ नहीं आती हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस अपनी सीआर को नाम लिखवा दो, अटेंडेंस मैंने दे दी है, स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके स्क्रीनशॉट दे दिए अटेंडेंस के। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।